नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। वृंदावन, मथुरा एवं वृंदावन को एक ही तीर्थ माना जाता है, क्योंकि दोनों स्थल ही श्री कृष्ण लीला से संबंधित हैं। श्री कृष्ण का बाल्यकाल वृंदावन में बिता था, अतः इससे संबंधित मंदिर एवं घाट आदि इसी नगर में है। इसके पश्चात युवावस्था की लीलाओं से संबंधित अनेक मंदिर एवं कुंज आदि भी वृंदावन में अवस्थित है। वृंदावन स्थल मथुरा से मात्र 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मार्ग में अनेक प्राचीन एवं नवीन बड़े बड़े भव्य मंदिर अवस्थित है, जैसे भूतेश्वर मंदिर। सर्वप्रथम यह मंदिर ही मार्ग में आता है, जो शिव का प्राचीन मंदिर है और पश्चिम दिशा से मथुरा की रक्षा करता है। उमा देवी मंदिर, शिव मंदिर के पास ही उमा देवी का मंदिर स्थित है, जो 52 शक्ति पीठों में एक माना जाता है। यहाँ सती के केश गिरे थे। पगला बाबा मंदिर, यह 10 मंजिलों में बना विशाल मंदिर है तथा दर्शनीय है। इसमें पगला बाबा की मूर्ति अवस्थित है। बिरला मंदिर, बिरला द्वारा निर्मित एक विशाल प्रांगण में यह मंदिर अवस्थित है। इनके अतिरिक्त अनेक बड़े छोटे मंदिर, आश्रम आदि मार्ग में स्थित हैं, जो सभी दर्शनीय हैं। मुरलीधर श्री कृष्ण तथा रसवंती श्री राधा की क्रीड़ा भूमि के रूप में यमुना तट पर स्थित वृंदावन धाम हिंदू समुदाय के पूज्य स्थलों में से एक है। पुराणों के अनुसार सतयुग में महाराज केदार की पुत्री वृंदा ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तप किया। उसके तप से भगवान प्रसन्न हुए। वृंदा के तप स्थल को वृंदावन कहते हैं। यह क्षेत्र मथुरा से थोड़ी दूर पर यमुना किनारे तुलसी, कदम और करील वनों के मध्य फैला हुआ है। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण के रूप में विष्णु तथा महाशक्ति ने इस लोक में राधा का रूप धारण किया था। वृंदावन में अनेक पुरातन और नवीन मंदिर तथा मठ हैं। वृंदावन वास्तव में मंदिरों का नगर है और नगर के प्रत्येक गली कूचे में मंदिरों की भरमार है। इनमें कुछ विशेष मंदिरों की वर्णन इस प्रकार है। श्री रंगजी मंदिर, श्री बांके बिहारी मंदिर, सेवा कुंज, मदन मोहन मंदिर, कालियादह घाट, ज्ञान गुदड़ी स्थल, कुसुम सरोवर, दाऊ मंदिर, इस्कॉन मंदिर। आइए जानते हैं गोवर्धन परिक्रमा के बारे में। पहली परिक्रमा गोवर्धन पर्वत दान घाटी से प्रारंभ होकर पुछली का लोटा होती हुई वापस गोवर्धन पहुंच जाती है। यह परिक्रमा 12 किलोमीटर लंबी है। दूसरी परिक्रमा भी गोवर्धन दान घाटी से प्रारंभ होकर राधा कुंड जाकर मानसी गंगा होते हुए पुनः गोवर्धन पर वापस आ जाती है। यह परिक्रमा 10 किलोमीटर लंबी है। वृंदावन की परिक्रमा अलग होती है, जो इस्कॉन मंदिर से प्रारंभ होकर कृष्ण बलदेव मंदिर जाती है और यहाँ से गौतम ऋषि आश्रम जाती है, जहाँ से फिर कालिया घाट होती हुई मदन मोहन मंदिर जाती है। मदन मोहन मंदिर से इमली ताला, फिर श्रृंगारवट, केसरिया घाट, टेकरी रानी मंदिर होती हुई जगन्नाथ मंदिर जाती है, जहाँ से चैतन्य महाप्रभु के मंदिर होते हुए वापस इस्कॉन मंदिर पहुँच जाती है। इसमें लगभग 6 घंटे लगते हैं और यह परिक्रमा 10 किलोमीटर लंबी है। ब्रज परिक्रमा, परिक्रमा पूरे ब्रज क्षेत्र की होती है, जिसमें 254 किलोमीटर मार्ग पूर्ण करना होता है और इसमें और अधिक समय लगता है। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि निःशुल्क है।